नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टुडे और मैं हूं कासिर खान और मेरे साथ मौजूद है सत्यम। कल का दिन भारत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए कुछ खास नहीं बीता। क्यों? क्योंकि पहली चीज, भारत वनडे हार गया, वो भी वेस्ट इंडीज से, जो कि हमारी मेहमान टीम है उससे वनडे हार गया। उसके बाद एक और खबर आई कि धोनी को टीम से, जो आने वाले मैचेस हैं T20 मैचेस, उसमें टीम से धोनी को ड्रॉप कर दिया गया। क्या है खबर, हम सब इस सब चीजों की चर्चा करेंगे सत्यम के साथ। सत्यम, सबसे पहले जिस तरीके से धोनी को निकाला गया उस पर बात करते हैं हम। जो धोनी को ड्रॉप कर दिया गया, एक तरह से दो खबरें आ रही हैं, एक के उसको आराम दिया गया है, धोनी को आराम दिया गया है, दूसरी खबर यह आ रही है कि उनको ड्रॉप किया गया है जानबूझकर। क्या है उसकी हकीकत, बताइए। हकीकत तो यही है कि उनको ड्रॉप किया गया है, क्योंकि ऐसा जो चीफ सेलेक्टर है हमारे MSK प्रसाद, उनके बयान की वजह से ऐसा हम मान सकते हैं। उनका कहना है कि ये फैसला जो कप्तान और उप कप्तान की सहमति से लिया गया है, तो निश्चित तौर पर अच्छा बुरे प्रदर्शन के कारण और आगे जो बड़े टूर्नामेंट है, उन्होंने ये भी कहा कि हम दूसरा विकेट कीपर तलाश रहे हैं, इस वजह से धोनी को ड्रॉप किया गया है। ये भी उन्होंने एक साथ एक उम्मीद की किरण भी ये भी दिखाई दी कि उन्होंने ये भी कहा कि धोनी के लिए T20 टीम में वापसी के दरवाजे बंद नहीं है, मतलब वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे उन्हें ड्रॉप किया गया है, जैसा कि चीफ सेलेक्टर ने भी कहा है। लेकिन जिस तरीके से उनको ड्रॉप किया गया, क्या आने वाले विश्व कप या 2020 में जो T20 विश्व कप होगा, क्या उसको देख के ऐसा लगता है कि नया अगर विकेट कीपर हम तलाश रहे हैं तो हो सकता है कि धोनी को हम रिप्लेस करें अगले T20 विश्व कप में? जी, अगले T20 विश्व कप जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है 2020 में विश्व कप, उसको मद्देनजर रख के ही ये फैसला किया गया, क्योंकि धोनी वर्ल्ड कप खेल सकते हैं अगला, निश्चित तौर पर साल भर से भी कम समय बचा है, लेकिन अगले विश्व कप तक खेलना बहुत ही मुश्किल है उनका, क्योंकि अब उनका जिस तरीके से प्रदर्शन है और उम्र उनके 37 वर्ष के हो चुके हैं, तो 2019 का वर्ल्ड कप में उन्हें रिप्लेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि सबसे अनुभवी विकेट कीपर, सबसे सफल विकेट कीपर, विश्व के सबसे सफल विकेट कीपर हैं। तो मेरे ख्याल से जो विश्व कप है 50 ओवर वाला, वनडे वाला, उसमें तो धोनी का खेलना निश्चित है, लेकिन 2020 में जो 2020 वर्ल्ड कप होना है उसके मद्देनजर इस बात का फैसला किया गया। तो इससे हम लोग क्या ये मान लें कि धोनी का अब कैरियर का पड़ाव नीचे गिरता जा रहा है? प्रदर्शन अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे वो पुराने वाले धोनी तो नहीं है, और हर खिलाड़ी के करियर में ऐसे उतार चढ़ाव भी आते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन धोनी एक ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी अपने अच्छे फॉर्म को वापस ला, उनके साथ ये चीजें बहुत बार होती, गेम चेंजर भी कहा जाता है उनको, ऐसे कप्तान वो काफी बार लगातार फ्लॉप खेल के फिर अचानक से वो अच्छा खेलते हैं। तो धोनी के बारे में ये मैं नहीं कहूंगा कि उनका करियर नीचे, क्योंकि जो उन्होंने जो किया है उसके हिसाब से तो, लेकिन अभी जिस परिस्थिति में है निश्चित तौर पे उनका प्रदर्शन बुरा चल रहा है। लेकिन इसमें जो एक खबर आ रही है कि रोहित और विराट दोनों की सहमति से ये फैसला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं कोई अंदर कलेश जैसा कुछ दिख नहीं रहा है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि धोनी खुद भी इस बात से अछूते नहीं है, क्योंकि जब वो टीम में आए थे तो उस समय बहुत से बड़े खिलाड़ियों को जिनको निकालने के बारे में BCCI सोच भी नहीं सकती थी, उन्हें जैसे सौरभ गांगुली हो गए, राहुल द्रविड़ वगैरह को वनडे से बाहर किया गया था, तो धोनी इस बात से अच्छी तरीके से भली भांति वाकिफ होंगे कि टीम की क्या जरूरत है, और टीम की जरूरत के लिए कप्तान और उप कप्तान, इन दोनों का टीम सिलेक्शन में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। विराट कोहली और रोहित जो हैं, रोहित शर्मा, ये दोनों का सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, तो इनकी सहमति से तो फैसला लिया गया होगा, और मुझे इस फैसले पे जरा भी ताजुब नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि 2020 का विश्व कप 2020 का आने वाला है, निश्चित तौर पर भारत को एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत होगी। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और आ रहा है कि क्या जैसे अभी हाल ही में खबर आई थी कि धोनी ने विजय हजारे टीम जी टूर्नामेंट में खेलने से इनकार कर दिया, तो ये उसकी सजा देगा, क्या ये हकीकत बात है? उस पर अब ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि जो चीफ सेलेक्टर है उन्होंने एक बयान जारी किया था विजय हजारे टूर्नामेंट से पहले कि धोनी को ये टूर्नामेंट झारखंड के लिए खेलना चाहिए, उन्होंने बयान जारी किया। जब कोई बड़ा सेलेक्टर आपको ऐसा बयान जारी करके कहे कि आपको ये टूर्नामेंट खेलना चाहिए, और उसके बाद भी धोनी ने वो टूर्नामेंट नहीं खेला था, तो हालांकि धोनी बहुत सारे रणजी और ये काउंटी क्रिकेट खेलते रहते हैं, झारखंड के लिए वो बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, विजय हजारे ट्रॉफी जब भी वो टेस्ट मैच इंडिया का चलता है तो वो झारखंड के लिए खेलते हैं, क्योंकि टेस्ट में तो वो है नहीं, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी से उन्होंने आराम लिया था, तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा है तो ये गलत बात है, चीफ सेलेक्टर को सोचना चाहिए कि वो बड़ा खिलाड़ी है
अगर उसको लगता है कि वो उसे उसके लिए आराम लेने की जरूरत है तो निश्चित तौर पे हमें उनकी बातों का सम्मान करते हुए आराम देना चाहिए। बिल्कुल आराम देना चाहिए। अब चलते चलते एक चीज पर और चर्चा कर लेते हैं, कल के मैच पे, कल जिस तरीके से भारत हारा है वेस्ट इंडीज से, उस पर क्या कहेंगे? बुरी तरीके से मिडिल ऑर्डर फेल हुआ, विराट कोहली को छोड़ दिया जाए तो किसी भी बल्लेबाज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हम पूरा चर्चा कर रहे हैं तो उस पर मैं भी ये भी कहना चाहूंगा कि उनकी भी बल्लेबाजी का बहुत ही निराशाजनक रही, हालांकि उन्होंने विकेट कीपिंग करते हुए एक बहुत ही उम्दा कैच पकड़ा, स्टंपिंग भी बहुत अच्छी है स्टंपिंग की, और वो कैच अच्छे अच्छे यंगस्टर्स के लिए बहुत ही मुश्किल है, जो वो भाग के और फुल बॉडी डाइव करके उन्होंने वो जो कैच पकड़ा था तो बहुत ही उम्दा कैच पकड़ा। उनका फिटनेस, उनकी फिटनेस में कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो उनकी बल्लेबाजी में, हालांकि अभी भी वो डिसीजन मेकिंग, DRS, विकेट के पीछे से फील्डिंग जैसे अरेंज होती है, इन सब में वो बहुत योगदान देते हैं और भारत को बहुत मैच जिता चुके हैं इन्हीं निर्णयों की वजह से। लेकिन अब जो फिनिशर है मिडिल ऑर्डर में, इस समय भारत को एक अच्छे अनुभवी बल्लेबाज की जरूरत है, क्योंकि आप हर मैच विराट कोहली के भरोसे नहीं। बिल्कुल, और विराट कोहली ने कल भी अपना प्रदर्शन दिया, एक शतक मारकर। तो ये थी कहानी महेंद्र सिंह धोनी की और कल के मैच की, किस तरीके से धोनी को ड्रॉप आउट किया, ये सब की ऊपर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है और नज़र आपकी बनी रहेगी नव भारत पर। नव भारत टुडे को आप इसी तरीके से देखते रहिए और हमारे पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल, इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपनी राय भी कमेंट में दे सकते हैं। नव भारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट।